దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బిఏ బికామ్ బిఎస్సి డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి డిగ్రీ డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन सिटी के शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम आज हम दास्तान माजी हाल और मुस्तकबिल पर बात करेंगे. नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमए उर्दू के तलबा के लिए काफ़ी मुफीद और कारामद साबित होगा. आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, साबिक़ा सदर शोबे उर्दू, और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है. आइए हम उन दोनों का खैर मकदम करते हैं. मेरा अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम दास्तान माजी हाल और मुस्तकबिल के तहत मुख्तलिफ़ उनवानात जैसे दास्तान के माना व मफहूम और फ़न पर रोशनी डालेंगे. इसके अलावा दास्तान को अफसानवी नसर में शामिल करने की क्या वजूहात थी और दास्तान के आगाज़ पर रोशनी डालेंगे, जबकि दास्तान में माफ़ुकुल फितरत और अनासिर और किरदार का जायज़ा भी लेंगे. दास्तान के माजी के जायज़े के साथ साथ बाग व बहार और फसान आजाद जैसे दास्तानों के से भी वाकिफ़ होंगे. आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, खबली इसके के हम उनवान पर बात करें उससे मैं आपको बता दूं कि अफसानवी अदब के मुताले के लिए नावल और अफसाना के दास्तान का मुताला भी ज़रूरी है. अगरचे के दास्तान का मुताला आज गैर ज़रूरी मालूम होता है, इसलिए बज़ाहिर इसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सच है कि दास्तानें उर्दू नसर के इब्तदाई नमूनों का अहम हिस्सा हैं और इनमें अपने अहद की माशरत का अक्स नज़र आता है. उर्दू में अफसानवी नसर की इब्तदा दास्तानों से होती है. सबरस उर्दू की ख़दीम तरीन दास्तान तस्लीम की गई है. 18वीं सदी ईस्वी में शुमाली हिंद के नुमाइंदा दास्तानों में खिस्सा, महर अफरोज और दिलबर, नौ तर्ज मुरस्सा और अजाबुल खसस का शुमार होता है. बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली अहम दास्तान है, जिसको मीरामन दहलवी ने तहरीर किया है. ये दास्तान अपने सलीस और सादा उसलूब और दहलवी तहजीब व माशरत के मुरखों के लिए मशहूर है. इसके बरक्स फसान अजायब की शनाख्त इसका मुखफ़ा मुरस्सा और मुसज्जा उसलूब के सबब होती है. इस दास्तान में लखनवी माशरत की झलकियां दिखाई देती हैं. दोनों दास्तानों का उसलूब एक दूसरे की ज़िद हैं. बागा बहार को अपनी सादगी और सलासत की वजह से मकबूलियत हासिल हुई, जबकि फसान अजायब अपने
पुरतकल्लुफ पुरशिकवा और रंगीन उसलूब के सबब पसंदीदगी नज़र से देखी गई। आइए हम दास्तान माजी और मुस्तकबिल के असल उन्वान के तहत हमारे माहिरीन प्रोफेसर मजीद बेदर साहब और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब से बातचीत करते हैं। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, आप बताइए कि दास्तान का माना, मफहूम और फ़न क्या है और इसके ताल्लुक से तलबा को समझाइए। सबसे पहले नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा को मेरा आदाब। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि उर्दू के नसरी अदब को दो अहम ज़ुमरों में तकसीम किया गया है, अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब। दास्तान का ताल्लुक अफसानवी अदब में है। दास्तान के हमाना और मुतादिद अल्फाज भी उर्दू में रायज हैं, जैसे खिस्सा और कहानी वगैरह। दास्तान असल में कहानी ही की एक शक्ल है और इसको मुख्तलिफ माहिरीन अदब ने मुख्तलिफ अंदाज से इसकी शनाख्त की है। किसी ने कहा है कि दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम शक्ल है। यूरोप में या मगरिब में कहानी की मुख्तलिफ किस्में माहिरों ने की हैं, जैसे फेबल्स हैं। फेबल्स से मुराद वो कहानियां हैं जिनमें जानवरों को इंसानों की तरह बातचीत करता हुआ दिखाया जाता है, जैसे हकीम लुकमान की कहानियां हैं और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पंचतंत्र की कहानियां हैं। कहानी की दूसरी किस्म की गई है असातीरी कहानियां, मिथ से ताल्लुक़ है जिनका। मिथ में ऐसी कहानियां होती हैं जिनका ताल्लुक मजहबी अकायद से होता है, जैसे सूरज ग्रहण क्यों लगता है या ज़मीन में जलजला क्यों आता है। इस तरह के फितरी मज़ाहिर की जो वजह बयान की जाती है, उस वजह बयान करने के अमल को या जिन वजूहात की बिना पर कोई ख़ास फितरत में तब्दीली वाक़ होती है, तो उन कहानियों को मिथ से ताबीर किया गया है। इसके अलावा कुछ और कहानियाँ होती हैं जिनको लीजेंड कहा जाता है। लीजेंड नीम तारीख़ी कहानियाँ होती हैं। कभी कोई सूरमा या कोई बहादुर किसी कौम में या किसी कबीले में गुज़रता है और वक्त गुज़रने के साथ उस हीरो या सुरमा से की बहादुरी से मुतालिक कई बातें मशहूर हो जाती हैं। तो इस तरह के जो वाक़ियात हैं, इस तरह के जो किस्से हैं, वो लीजेंड कहलाते हैं। जैसे उर्दू में रुस्तम और सोहराब का किस्सा है, लैला मजनू की दास्तान है। एक आखिरी किस्म जो मगरबी माहरीन ने की है कहानी की, वो रोमांस है। रोमांस में किसी एक शख्स के कारनामे और उसकी मुहिमात और उसकी बहादुरी का तस्करा होता है। उर्दू में जो दास्तान है उसको हम रोमांस का मुतबादिल कह सकते हैं। उर्दू में भी जो दास्तान होती है वो तवील होती है और बहुत पेचीदा होती है और उसमें और बहुत सारे लवाजिमात होते हैं। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने अपनी किताब जो ख़ास दास्तान पर उन्होंने लिखी है, उर्दू की नसी दास्तानें, उसमें उन्होंने बताया है कि उर्दू में दास्तान के पांच अहम अनासिर होते हैं। पहला तो ये है कि दास्तान जो होती है वो सरासर तखयली होती है, फर्जी होती है, उसके किस्से का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। दास्तान में एक ख्याली दुनिया बसाई जाती है, तखयली दुनिया आबाद की जाती है। और दास्तान का दूसरा अहम जुज़ होता है माफ़ौखुल फितरत अनासिर की कारफरमाई, यानी इसके अंदर ऐसे अनासिर होते हैं जिनका ज़ाहरी दुनिया से या मादी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे जिन, देव, भूत, परी, देवनी, जादूगरी वगैरह। इस तरह के अनासिर दास्तानों में मिलते हैं। तीसरा लाजिमा या अंसर उन्होंने बताया है कि हुस्न और इश्क की रुदात, दास्तानें जो होती हैं उसमें अमूमन
हुस्न और इश्क की रुदात बयान की जाती है। बाज़ ऐसी दास्तानें ज़रूर मिलती हैं जिनमें यह मोहब्बत की या इश्क की दास्तान नहीं होती, जैसे हातिम ताई की मुहिमात हैं या सिंदबाद जहाज़ी के की मुहिमात हैं, उसमें हुस्न और इश्क की रुदात नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो दास्तानें होती हैं उनमें हुस्न और इश्क की रुदात होती है। तीसरा चौथा अहम जुज़ होता है मुहिमात का तवातुर। दास्तान में जो मुहिमात दरपेश होते हैं, जो वाक़यात पेश आते हैं, वो नहायत ही पेचीदा होते हैं और मुसलसल एक के बाद एक वाक़या पेश आते रहता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इसी उनसुर से खिस्सा दर खिस्सा की टेक्निक हमारे सामने आती है कि दास्तान को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक खिस्से में से दूसरा खिस्सा निकाला जाता है। मसलन एक कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पर जो एक किरदार होता है ये पूछता है, वो कहता है कि देखो तुम ये बात ना करो वरना तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा फलां के साथ हुआ था। तो पहला किरदार पूछता है कि फलां के साथ क्या हुआ था, फिर एक नई कहानी का सिलसिला शुरू होता है। तो इस तरह खिस्सा और दर खिस्सा की टेक्निक कहानी को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये दास्तान का लाजिमा है। और पांचवा अहम उनसर होता है कहानी के फ़न का, ज़ुबान और बयान और उसलूब की शगुफ्तगी और अदबियत और शेरियत। दास्तान में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है वो नहायत अदबी ज़ुबान होती है, उसमें शगुफ्तगी होती है और उसमें दास्तानगो या दास्तान कहने वाला कोशिश करता है कि अपनी ज़ुबान के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी के शोबों से मुतालिक अल्फाज इस्तेमाल करे। जब हम दास्तान का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर अदब के जितने अनासिर हैं वो सारे अनासिर मौजूद हैं और ये अनासिर पैदा होते हैं ज़ुबान के तख्लीकी इस्तेमाल से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अज़ीज़ तलबा तलबा, तो आपको बता दें कि 2:45 तक 3 बजे के दरमियान में आप रास तौर पर जो है ना सवालात कर सकते हैं, हमारे माहरीन जो है ना आपको जवाब देंगे। आप नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर 0402731431 0402731432 0402731433। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप 2:45 था 3 बजे के दरमियान सवालात कर सकते हैं। अब मैं प्रोफेसर मजीद बेदर साहब से ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि दास्तान को अफसानवी नसर में शामिल करने की क्या वजूहात थी। नाज़रीन कराम, जिस तरह अभी बात कही गई कि नसर में लिखी जाने वाली किस्सा या कहानी की बात जब बयानिया के ज़रिए ख्याली या ख़यासी होता है तो उसको हम दास्तान कहते हैं। इसके बजाय ये ख्याली और ख़यासी किस्सा शायरी में हो तो उसको मसनवी कहा जाता है। दर हकीकत कोई भी नसर, चूँकि आपने इब्तिदा में सुन लिया है कि अफसानवी नसर या फिक्शन, अफसानवी नसर का मकसद ही यही है कि किसी किस्से में कोई किरदार हो, कोई प्लॉट हो, उनका अमल और रद्द अमल हो और उसमें ज़िंदगी की अक्कासी, समाज और माशरे की नुमाइंदगी हो। चूँकि दास्तानवी नसर में आप देखेंगे कि कई किरदार होते हैं और कई किरदारों के रवैये और अमल होते हैं, किरदार मनफी और मुस्बित भी होते हैं और उसके अलावा उनका ज़िंदगी का रवैया भी दिखाई देता है। चूँकि ये तमाम अवामिल हमारी ज़िंदगी के करीब के हैं इसलिए दास्तान को अफसानवी नसर में शामिल किया गया। किस्सा कहानी बयान करने का वो अंदाज़ जिसमें माफ़ौकुल फितरत अनासिर जादू हो और उसके ज़रिए इंसान को कोई नई बात, कोई अच्छी बात, कोई नसीहत सिखाई जाए, तो ऐसे किस्सों का बुनियादी मकसद यही था कि न सिर्फ किस्सा बयान किया जाए, न सिर्फ कहानी बयान की जाए, बल्कि उसके साथ इंसान को कोई नया दर्स भी दिया जाए ताकि वो चौंके भी, हैरान भी हो और उसके साथ कोई नसीहत भी हासिल करे। बुनियादी तौर पर
हर चीज़ लिखने का कोई ना कोई बुनियादी मकसद होता है, बगैर मकसद का कोई चीज़ लिखी नहीं जाती। और कई पेचीदा ऐसी चीज़ें हैं जिसको आम आदमी समझ नहीं सकता, तो उसको समझाने के लिए दास्तानवी अंदाज इख्तियार किया गया, और आदमी में तजस्सुस पैदा करने के लिए दास्तानवी उसलूब इख्तियार किया गया। आप जानते हैं कि आज जिस तरह से हम नसर लिखते हैं या हमारी जो फितरी नसर है, दास्तानों में वो फितरी नसर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो 200 साल पुरानी हैं, 300 साल पुरानी हैं। लाजमी तौर पर वो जो उसलूब इख्तियार किया गया उसको मुसज्जा या मुखफ़ा उसलूब कहते हैं। जो कोई हातिम को ढूंढ ढांड कर लावे, 500 अशरफियाँ इनाम में पावे, ये लावे पावे काफिया पैमाई हो रही है, ये आपको बागो बाहर में दिखाई देगा। या फिर आप उर्दू की मशहूर दास्तान सबरस का मुताला करें तो उसमें ये बताया गया है, इस जहान में सारे हिंदुस्तान में इस शानदान सू कोई नहीं लिखिया कोई नहीं बोलिया। ये हाँ छोटे छोटे मिसरों में या बड़े बड़े मिसरों के तहत नसर लिखना, इसको मुसज्जा और मुखफ़ा नसर कहा जाता है। ये नसर का अंदाज़ हमको उर्दू की किसी दूसरी नसरी किताबों में नहीं, सिर्फ दास्तानों में दिखाई देता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि उर्दू में दास्तानें लिखने का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते से हुआ, फिर उसके बाद दास्तान लिखने का अंदाज फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास से हुआ। उसके अलावा इनफरादी तौर पर भी दास्तानें लिखी गई। एक दौर ऐसा था कि मुसज्जा व मुखफ़ा नसर इस्तेमाल की गई, एक दौर वो भी आया कि मुसज्जा व मुखफ़ा नसर को बदल कर, जिस तरह मसदर को बुनियाद बनाकर, जाना बाग में परी का, आना शहजादे का, होना परेशान बादशाह का, ये भी एक अंदाज दास्तानें लिखने का है। और दास्तानों में चूँकि माफ़ूल फितर तनासिर होते हैं, अभी प्रोफेसर नसीमुद्दीन साहब ने आपकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई कि किस्सा दर किस्सा जिस तरह एक हम प्याज के छिलके को निकालें तो अंदर से और एक छिलका निकलता है, तो किस्सा दर किस्सा कहानी बयान करने का अंदाज सिर्फ और सिर्फ दास्तानों में होता है। ये दास्तानें इब्तदाई दौर से चलती रहीं, और दास्तानों का दौर एक बहुत बड़ा दौर है उर्दू में। 1940 तक दास्तानें लिखी गईं और 1901 तक दास्तानें छपती रहीं, और मुसलसल एक दौर है जिसमें दास्तानी नसर का अंदाज दिखाई देता है। इसमें किस्सा कहानी होता यह है कि इंसान अपने माहौल माशरे से न सिर्फ अपने आप को दूर करना चाहता है, कुछ नई चीज़ चाहता है, तो हमको दास्तानों में ये नई चीज़ें, हैरत अंगेज़ बातें, हवा में उड़ने की बातें, या फिर जानवरों से बात करने की बातें, या एक इंसान का जानवर में तब्दील हो जाना या परिंदे में तब्दील हो जाना, ये तमाम चीज़ें उस दौर में इंसान को हैरत में मुब्तला करने वाली थी, जैसे आज के दौर में हम साइंस की तरक्यात से हैरत में मुब्तला हैं। तो इस तरह दास्तान लिखने का मकसद किस्सा कहानी बयान करना था, मगर किस्सा कहानी में हैरत अंगेज़ चीज़ें लाना था, उसके उसलूब को न सिर्फ मुसज्जा व मुखफ़ा बनाना था बल्कि इंसान की तवज्जो मबजूल करके उसको किसी नसीहत से वाबस्ता करना था। इस तरह उर्दू दास्तानें चूँकि किस्से कहानी से वाबस्ता हैं, किरदार और प्लाट से वाबस्ता हैं, अच्छे आदमी और बुरे आदमी की शिनाख्त करते हैं, इसलिए दास्तान को हम उर्दू की अफसानवी नसर में शुमार करते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर मजीद बदर साहब, आपने अफसानवी नसर में शामिल करने की वजूहत, दास्तान को शामिल करने की वजूहत के अलावा दास्तानों का आगाज़ पर रोशनी डाली और दास्तानों में माफ़ूल फितरत तनासिर के किरदार का भी जायज़ा लिया। आइए मैं प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब से दरियाफ़ करना चाहता हूँ कि दास्तानों के माजी का जायज़ा लेते हुए बागो बहार और फसाना अजायब जैसे दास्तानों की खसूसियात से वाकिफ करवाएँ। जहाँ तक सिन्फ़ दास्तान के माजी का ताल्लुक़ है, तो इसके लिए हमको दास्तान के
गुजरे हुए ज़माने में जाना पड़ेगा। जब हम दास्तान की तारीख़ का मुताला करते हैं तो पता चलेगा कि दास्तान की तारीख़ कमोबेश उतनी ही पुरानी है जितनी इस ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी और इंसानी तहज़ीब की तारीख़ पुरानी है। उलूमे इमरानियात के माहरीन का मानना है कि कुर्रे अर्ज़ पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ बिल्कुल वहशियाना अंदाज में हुआ। इंसान ग़ारों में रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगलों में ज़िंदगी बसर करता था। तो उस दौर में तो ज़ाहिर बात है कि ज़ुबान भी गालिबा ईजाद नहीं हुई होगी, इशारों में बात किया करता होगा। पता नहीं कितना ज़माना इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए गुज़रा। उसके बाद इंसान ने कुछ अल्फाज वज़ा किए होंगे, रफ्ता रफ्ता ज़ुबान ईजाद हुई होगी। तो यूँ समझिए कि जब इंसान ने बोलना सीखा, जब ज़ुबान ईजाद हुई, उसी वक्त कहानी का भी वजूद अमल में आया। होता यह था कि इंसान हज़ारों साल पहले जिस तरह के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा था, वो माहौल और फितरत सरासर उसके लिए नामाफिक और नासाजगार, बल्कि उसके लिए एक तरह से मुआनिदाना था फितरत का रवैया। तूफ़ानी बारिशें होती, आंधियाँ आती, जलजले आते, बिजलियाँ गिरती, इस तरह के मौसम, इस तरह के हालात में इंसान को अपने तहफ़ुज़ और बचाव के लिए कुछ नहीं था। फिर इसके अलावा दरिंदों का ख़तरा होता और कीड़े मकोड़ों का ख़तरा होता। तो ऐसे माहौल में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा था और जानवरों का शिकार करके और फल फलारी पर अपनी ज़िंदगी गुजारता था। तो इस तरह के दौर में जबकि इंसान ने बात करना सीखा, बोलना सीखा, तो ज़ाहिर बात है कि दिन भर में वो अपनी खुराक के लिए, अपनी ग़िज़ा के लिए दूर दूर निकल जाता अपने ठिकाने से, फिर किसी जानवर का शिकार करता, शिकार करके लाता और अपने कबीले के अफराद के साथ बैठकर उस अपना पेट भरता। फिर रात में थके मांदे होते तो एक अलाव सुलगाया जाता और उस अलाव के गिर्द बैठकर हर फर्द अपनी दिन भर की रुदात पेश करता कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। तो ज़ाहिर बात है कि उस ज़माने का एक फ़र्द अपने दिन भर की जो रुदात सुनाता अपने कबीले वालों को, तो समझिए कि वही दास्तान थी, वहीं से दास्तान का आगाज़ हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हज़ारों साल पुरानी ये सिंफ दास्तान है। चुनाचे माहिरीन आसार ख़दीमा को दास्तान के जो आसार मिले हैं, सबसे ख़दीम तरीन जो कहानी या दास्तान मिली है वो मिस्र के शाह खाफरी के दौर की है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4800 साल पहले गुज़रा है मिस्र में। और इस कहानी का मुसव्वदा मिला है 3459 क़ब्ल मसीह का लिखा हुआ। और ये कहानी है एक ग़ुलाम, बादशाह और मलिका और एक दास्तानगो की। इस कहानी में चार किरदार हैं। तो इस तरह ये दुनिया की ख़दीम तरीन रिटर्न कहानी है, तहरीरी दास्तान है, जो हमको मिस्र में मिलती है, जिसमें बादशाह, मलिका, ग़ुलाम और दास्तानगो चार किरदार हमको मिलते हैं। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस ज़माने की जो तहज़ीबें थी, ख़दीम तहज़ीबें, मिस्र, इराक़ या मेसोपोटामिया, चाइना और हिंदुस्तान, ये ख़दीम तरीन तहज़ीबी मराकज़ थे दुनिया में। तो इराक़ में जो सुमेरी तहज़ीब थी, अंदाज़ा लगाया गया है कि वो 3000 क़ब्ल मसीह था 2000 क़ब्ल मसीह के अहद से ताल्लुक़ रखती है। तो उस ज़माने में जो कहानी लिखी गई, गिलगामेश की कहानी जो मशहूर है और मिट्टी की लौहों पर लिखी गई है, मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई है, वो महफूज है। वो गिलगामेश की कहानी हमको मिलती है सुमेरियन तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाली इराक़ में। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो चाइना में भी जो है, चीन के मुल्क में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क़ब्ल के दौर की कहानियाँ हमको मिलती हैं। अब आइए हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान की तहज़ीब भी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है। अंदाज़ा लगाया गया है कि आर्या लोग जो आए हिंदुस्तान में, तो 250 साल क़ब्ल मसीह में
वो हिंदुस्तान आए। तो उस दौर में और उसके बाद के दौर में जो किताबें लिखी गईं उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी दास्तानें हमको मिलती हैं। जैसे वेद हैं, चार वेद, चार वेदों में बहुत सारी कहानियाँ हमको मिलती हैं। इसी तरह ब्राह्मण हैं, उपनिषद्स हैं, पुराण हैं, ये सारे जो मज़हबी किताबें हैं उन तमाम मज़हबी किताबों में हमको कहानियाँ मिलती हैं। इसी तरह रामायण और महाभारत हैं, इसमें भी हमको कहानियाँ मिलती हैं। तो ये हिंदुस्तान में भी कहानी या कथा या दास्तान की हज़ारों साल कदीम रिवायत हमको मिलती है। अब अगर हम अरब ममालिक की तरफ चलते हैं तो हमको किताबों में देखने मिलता है कि अरब लोग भी दास्तानों का शगफ़ रखते थे, दास्तान सुनने का शौक़ रखते थे। चुनांचे वहाँ दास्तानगो को सामिर कहा जाता था। रात के वक्त ये लोग ठंडी ठंडी रेत के टीलों पर जमा हो जाते, सामिर आता, दास्तान सुनाता और मुआवजे में खजूर जमा हासिल करके चला जाता। तो इस तरह हम जब इंसानी तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि सबसे ख़दीम तरीन जो सिन्फ हमको मिलती है दास्तान की मिलती है। और दास्तान के ताल्लुक़ से हमारे जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि दास्तान तहरीरी सिन्फ नहीं है, असलन ये तहरीरी सिन्फ है। दास्तान सुनाने के लिए होती है, पढ़ने के लिए नहीं होती है। चुनाँचे ये उस दौर से दास्तान राइज है जबकि अभी तहरीर दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो ये सबसे ख़दीम तरीन सिन्फ है अदब की जो हम तक पहुँची है। जब हम उर्दू की तरफ आते हैं तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सबरस जो मुल्ला असदुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का जो मलिकुश शोरा था 1635 ईस्वी में लिखी उसने दखनी ज़बान में, ये उर्दू की पहली दास्तान है। इसके बाद दास्तानों का एक तवील सिलसिला चला जो फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास और फिर उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में, फिर रामपुर में और इसी तरह लखनऊ और दिल्ली के मराकज़ में ये सिलसिला चलता रहा। हर बड़े शहर में, हर रियासत की राजधानी में दास्तानगो हुआ करते थे और जहाँ पर बाकायदा नवाबों और बादशाहों के दरबार में दास्तानें सुनाई जाती थीं। इसके अलावा अवाम में भी दास्तानें मकबूल थीं। चुनांचे खिस्सा खानी बाज़ार का ज़िक्र हमको मिलता है। हिंदुस्तान की जो जदोजहद आज़ादी की तारीख है उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था खिस्सा खानी बाज़ार में, सुबह सरहद में। तो उस बाज़ार का नाम ही खिस्सा खानी बाज़ार इसलिए था कि वहाँ पर दास्तानें सुनाई जाती थीं। फोर्ट विलियम कॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फोर्ट विलियम कॉलेज ने दास्तानों को तरक्की देने में नहायत अहम हिस्सा लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज का की शाहकार दास्तान है बाग बहार, जिसके बारे में हम आगे गुफ्तगू करते हैं। ओके, शुक्रिया प्रोफेसर नसीमुद्दीन साहब, आपने दास्तानों के माजी का तफसील से जनाजाजा लिया। और मैं आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से दरियाफ़ करना चाहता हूँ कि दास्तानों का जो उसलूब है उसका तारुफ करते हुए दास्तानों में जादू और गैर यकीनी सूरत हाल का जायज़ा लें। दर हकीकत दास्तान तभी कहलाई जा सकती है जबकि उसमें गैर यकीनी हालात हों, जादू टोना हो और अनहोनी बातें हों। ये तमाम चीज़ें उस दौर के इंसान की तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए दास्तानों में शामिल होती थीं। और दूसरी चीज़ यह है कि बेशतर दास्तानों के क़िस्सों का आप मुताला करें तो ये दास्तानें आम आदमी की ज़िंदगी से मुतालिक कम, अमीर व उमरा, बादशाह, शहजादे, शहजादियाँ और उनके ताल्लुकात की नुमाइंदगी करती हैं। उसकी वजह क्या थी? जैसा कि आज समाज में, माशरे में कई किस्म के जो है तबक़ात कायम हो गए हैं। उस दौर में तबकाती निज़ाम था लेकिन आला तबका और अदना तबका दो ही तबक़ात होते थे। अमीर व उमरा का आला तबका होता था और गरीब व गुराबा का मामूली तबका होता था। तो समाज चूँकि वहाँ तबक़ात में नहीं बटा था इसलिए दास्तानें लिखने वालों ने आइडियल चुना, बादशाहों को, अमीरों को, अमीरजादियों को, शहजादियों को, वज़ीरजादियों को और उनके जो है मददगारों को।
तो जितनी दास्तानें उर्दू में लिखी गई हैं बेशतर दास्तानें तो तर्जुमा की भी हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तर्जुमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तब आज़ाद दास्तानें क्यों नहीं लिखी गई। दर हकीकत फोर्ट विलियम कॉलेज जब डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने कायम किया तो उन्होंने बुनियादी शर्त यही रखी और मुंशी का तकर्रुर किया गया, उनको पाबंद किया गया कि अगर वो भाषा जानते हैं तो संस्कृत की बेहतरीन दास्तान का तर्जुमा करें, अगर वो अरबी जानते हैं तो अरबी ज़बान की बेहतरीन दास्तान का तर्जुमा करें, या फारसी जानते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर हमको ट्रांसलेशन मटेरियल जो मिलता है उर्दू दास्तानों में, उसकी वजह ये रही कि उर्दू में अदब का ज़ख़ीरा ना होने की वजह से दूसरी ज़बानों से ये अदब के ज़ख़ीरे को लाया गया। जैसे कि मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि तब आज़ाद दास्तानें भी लिखी गई। उर्दू के मशहूर शायर और जिन्होंने लखनऊ के दबिस्तान को उरूज तक पहुंचा दिया, इंशाअल्लाह खां इंशा, उन्होंने रानी खेतकी की कहानी लिखी, और कई ऐसे लोग हैं जो तब आज़ाद दास्तानें लिखते हैं। इन दास्तानों में भी वही बात है जैसे मैंने आपको बताया, आला तबके की नुमाइंदगी, अमीरों मुरा की नुमाइंदगी। ये वजह इसलिए थी कि उस वक्त आइडियल तबका, एलाइट तबका जो समझा जाता था, वो शाह और उनके करीब के लोग, और वो दौर ऐसा था कि जिसमें बादशाह की तरफ से अवाम को तमाम सहूलतें फराहम की जाती थी। आप तारीख में पढ़ते हैं कि अशोक आज़म रात को निकलकर गरीबों की खबरगिरी करता था, तो माशरा ऐसा था कि कोई गरीब होता तो बादशाह की तरफ से इमदाद पहुँचा दी जाती थी, उसको इनामों कराम दिया जाता था, उसे एजाज़ दिया जाता था। तो माशरे की खसूसियात की बुनियाद पर उर्दू दास्तानें लिखी गईं, तो उन दास्तानों में ये तसव्वुर किया गया कि क्यों ना आला तबके की बेहतर नुमाइंदगी हो। और दूसरी चीज़ ये कि दास्तान के पढ़ने की वजह से हमको जो खसूसियात, हत्ता के बाज़ ऐसे ज़राए भी हैं, एक राक्षस है और एक इंसान है, इंसान की बू सूंघते ही पहचान लेता है कि इंसान है, वो राक्षस के पास जाकर इंसान जब मामू कह देता है तो वो तमाम जो है जज्बे जो इंसान से बदला लेने के हैं वो सब छोड़कर उस इंसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे वाक़यात खुद बताते हैं कि दास्तानें लिखने का मकसद ही यही था कि इंसान में हमदर्दी, खलूस, भाईचारगी, एक दूसरे से मोहब्बत, ये चीज़ जो है कहानियों में, दास्तानों में हमको दिखाई देती है। लाजमी है कि कोई बहुत बड़ी मुहिम को सर करने के लिए निकला है और कई मसाइल से दो चार है। अब देखिए आप, दास्तानों की खूबी ये है, अगर जिक्र हो रहा है दास्तान में दस्तरखान का, 80 किस्म के लवाजमात, 80 किस्म के खाने वहाँ दिखाई देते हैं। लिबास का जिक्र होता है, हज़ारहा किस्म के लिबास का जिक्र। ये तमाम चीज़ें अगर आज हम दास्तान पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी है हम आज के दौर में इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि सोरा सिंगार किसे कहते हैं हमको नहीं मालूम। तो उस ज़माने की तहजीब जो थी, उस ज़माने के लोग जो जो लिबास पहनते थे, जो जो हार और जो किस्म की नुमाइंदगी करते थे, वो चीज़ें आज हमारे पास दस्तियाब नहीं हैं। लेकिन दास्तानें पढ़ने से हमको पता चलता है कि उस ज़माने में बादशाहों का लिबास क्या होता था, अमीर व उमरा का लिबास, वो लोग किस किस्म के जेवरात पहनते थे। ये तमाम तहजीबी अनासिर अगर मिलती हैं तो सिर्फ दास्तानों में, क्योंकि दास्तानें ख्याली है, खयासी है जैसे हम बता रहे हैं, लेकिन उसमें माशरे की ज़िंदगी बताना है तो वो कोई ख्याली खयासी माशरा नहीं हो सकता। अगरचे दास्तानों के ज़रिए न सिर्फ दुनिया की सैर कराई गई, आसमानों की सैर कराई गई, और फिर आसमानों में होने वाले वाक़यात को बयान किया गया जो हकीकत में नहीं है, जो कोई इंसान जानता नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ हकीकतों को भी जोड़ा गया ताकि इंसान को दर्स दिया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, वो इंसान जो इंसानियत में रहे, जानवर की तरह ना बने। तो दास्तानों का एक अहम मकसद है
और दास्तानों के ज़रिए जो माशरा पेश किया गया, गो के वह आज हमारा माशरा नहीं है, लेकिन उनमें आपसी हमदर्दी, भाईचारगी, खलूस और दुश्मन को दोस्त बनाने का तरीक़ा, ये सब चीज़ें हमको बताती हैं दास्तानें बेकार नहीं हैं। और दास्तानों में जो माशरा और जो मिजाज दिया गया उसका कोई भी अंसर आप देखें, लाजमी है कि उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान जो बहुत सबसे तवील अरीज़ है 40 जिल्दों में, दास्तान अमीर हमज़ा, लाजमी है कि 18वीं सदी में लिखी हुई और उमरों के हाथ में एक जंबील है, जब उनके दोनों शागिर्द जो है उनसे तलब करते हैं कोई चीज़ तो उनको गुस्सा आता है और दोनों शागिर्द को जंबील में डाल देते हैं, ये नामुमकिन में से, लेकिन वो जैसे जंबील में जाते हैं देखते हैं कि तभी लंबी सियाह सड़क चली जा रही है। आज हम साइंस के तरक्यात का दौर में काली सड़क डांबर रोड जिसे कहते हैं, ये तस्वूर 18वीं सदी में नहीं था, लेकिन इंसान के जहन का ये कारनामा है। एक जगह उमरू गुजरते रहते हैं, अफरा सयाब का लश्कर आ जाता है 1,00,000 फौजी और ये अपने दो शागिर्दों के साथ, क्या मुकाबला हो सकता है? जहन कबूल नहीं करता। लेकिन ना दास्तान निगार ने बताया कि उमरू अपने थैले से एक गोला निकालकर फेंकते हैं, पूरी फौज रोते रोते मर जाती है, जिसको हम अश्कावर गैस कहते हैं, टीयर गैस कहते हैं, इसका खाम तसव्वुर हमको दास्तानों में दिखाई देता है। बहुत सी चीज़ें जो तरक्की याफ्ता सूरत में हमारे पास आई हैं उसका खाम तसव्वुर दास्तानों में, इसलिए दास्तानों का मुताला ज़रूरी है। दास्तानों के उसलूब को छोड़िए, दास्तानों के किस्से कहानी में वो चीज़ें जो जादुई हैं वो छोड़िए, लेकिन उस दौर के माशरे की नुमाइंदगी, लोगों से हमदर्दी और दुश्मनी के बजाय दोस्ती करना, ये तमाम इंसानी खसूसियात हमारी उर्दू दास्तानों में बदर्ज अतम मौजूद हैं। चूँकि हिंदुस्तान भी एक मज़हब का परवरदा है और हिंदुस्तान में भी तहजीब व अखलाक व शाइस्तगी रही है, नतीजा ये कि हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ें, हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ें या उसके तर्जुमा पढ़ें तो मालूम होता है कि इंसान का रवैया जानवर से कैसा होना चाहिए, जानवर को कमतर समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें तहजीब और शाइस्तगी की तमाम खूबियाँ अगर क्लासिकल लिटरेचर में, पुराने अदब में देखना है तो सिर्फ और सिर्फ दास्तानों में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर मजीद बेदार साहब ने अभी दास्तान को खाम ख्याली न होने का दावा करते हुए दास्तानों में इंसानियत के फ़रोग़ का ज़िक्र किया और ज़िंदगी और माशरे का दर्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से अभी आपके सामने उसका जायज़ा ले रहे थे। आइए मैं आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब से ये दरियाफ़ करूँगा कि उर्दू में दास्तानों का उरूज और जवाल के क्या असबाब थे। देखिए, जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया है कि दास्तानें इंसान की ज़िंदगी के साथ, इंसानी तहजीब और तमद्दुन के साथ इर्तिखा पाती रहीं कदीम ज़माने में, लेकिन होता यह है कि ख़ासतौर पर अदब में, कि अदब की बहुत सारी असनाफ़ हैं, चाहे वो शेर में हों, शायरी में हों या नसर में हों, लेकिन इन असनाफ़ की बखा और इन असनाफ़ के तसलसल का दारोमदार इस बात पर होता है कि ये असनाफ ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों और बदलते हुए हालात के साथ कितनी दूर तक साथ चल सकती हैं। क्योंकि ज़िंदगी कोई साकित और जामित शय नहीं है, ज़िंदगी तो हर पल हर आन तगैर पजीर है, बदलती रहती है, हर दौर में ज़िंदगी के हालात बदलते रहते हैं, ज़िंदगी के तकाज़े बदलते रहते हैं, वक्त बदल जाता है, वक्त के तकाज़े बदल जाते हैं। तो जो सिंफ बदले हुए हालात के साथ चल सकती है, जिसमें इतनी लचक और इतनी वसत हो कि वो नए ज़माने और नए हालात के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके,
तो वो सिंफ बाकी रहती है, उसकी रिवायत बाकी रहती है और उस सिंफ में नए नए तख्लीकी काम अंजाम पाते रहते हैं। अगर किसी सिंफ में ये सलाहियत नहीं है कि वो नए मसाइल, नए सवालात, नए हालात और नए ज़माने के साथ चल सके, तो फिर उसकी रिवायत ख़त्म हो जाती है और वो सिंफ भी आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाती है। तो दास्तान के साथ भी यही सूरत हाल पेश आई कि एक तवील अरसे तक दास्तान इंसानी तहज़ीब, इंसानी सकाफत और कल्चर और इंसानी जहन और फिक्र के साथ साथ चलती रही, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हालात बदल गए, समाज बदल गया, इंसानी ज़िंदगी बदल गई, तो फिर दास्तान के अंदर उतनी गुंजाइश नहीं रही कि वो इन नए मसाइल, नई सोच और नई फिक्र के साथ चल सके, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिवायत भी मिटती चली गई। चुनांचे ख़दीम ज़माने में जबकि खुशवक्ती या दिलबस्तगी या तफरी इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं था, जैसा कि आज देख रहे हैं आप कितने ज़राए हैं तफरी के, इंटरटेनमेंट के, वैसे ज़राए ख़दीम ज़माने में नहीं थे। तो दास्तान सुनना एक अहम ज़रिया था वक्त गुजारने का, खुशवक्ती का, दिलबस्तगी का, तफरी का। तो दास्तानें पॉपुलर रहीं, बाज़ारों में भी दास्तानें सुनी जाती थीं, महलों में भी दास्तानें सुनी जाती थीं, नवाबों के दीवान खानों में दास्तानें सुनी जाती थीं, बादशाहों के दरबारों में दास्तानें सुनी जाती थीं। चुनाचे ख़दीम बादशाहों के दरबारों के जो हालात मिलते हैं उसमें और बहुत सारे विज़रा और अमायदीन के साथ साथ दास्तान गोओं का ज़िक्र भी मिलता है हमको। चुनाचे मुल्ला वजी की सबरस से लेकर सेंट फोर्ट जॉर्ज कॉलेज मद्रास तक दक्कन में बहुत सारी दास्तानें लिखी गईं। उसके बाद दास्तान का मरकज़ बदल गया, फोर्ट विलियम कॉलेज जब क़ायम हुआ तो फोर्ट विलियम कॉलेज में मकसद ये था कि बाहर से जो अंग्रेज़ आ रहे हैं वो उर्दू ज़बान और उर्दू तहज़ीब, हिंदुस्तान के हालात, हिंदुस्तान की तहज़ीब से वाकिफ़ हों। वहाँ पर कोई इल्मी सब्जेक्ट इल्मी मज़मून पढ़ाना मकसूद नहीं था, ज़बान सिखाना और हिंदुस्तान की तहज़ीब से आशना करना नए अंग्रेज़ आफिसरों को, अहदेदारों को, ये मकसद था। तो इस मकसद के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दास्तानें थीं। तो चुनाचे बहुत सारी दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गईं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दास्तान के उरूज का दौर था जब फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी मुख्तलिफ दास्तानें लिख रहे थे या ज़्यादातर तर्जुमा कर रहे थे। चुनाचे ख़ुद बाग़ो बहार जो फोर्ट विलियम कॉलेज का शाहकार है वो मीर अमन की अपनी ज़हनी उपज नहीं है, उनकी तवाज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि असलन ये फ़ारसी में लिखी गई, फिर इसको मीर हुसैन अता खां तहसीन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से एक मुरस्सा पुरतकल्लुफ़ उसलूब में लिखा, फिर जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने उसको उस ज़बान में लिखा जो दिल्ली के लोग आम बोलचाल की ज़बान में इस्तेमाल करते थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बाज़ारों में जो ज़बान दिल्ली के राइज थी उस वक्त, उस ज़बान को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसी मुहावरे को इस्तेमाल किया, उसी रोज़मर्रे को इस्तेमाल किया और उस ज़बान में बाग़ो बहार लिखी। उसके बाद दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी लिखी गई, जैसे अभी जिक्र हुआ इंशा की रानी केतकी की कहानी, और बहुत सारी दास्तानें लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी। ख़ास तौर पर रामपुर के जो नवाब थे उन नवाबों ने दास्तानों की बड़ी सरपरस्ती की, वहाँ पर बेशुमार दास्तानें लिखी गई, उसमें चंद ही शाये हो सकी, बहुत सारी दास्तानें गैर मतबू हालत में मौजूद हैं। इसी तरह एक मतबा था, एक प्रेस था मुंशी नवील किशोर का। मुंशी नवील किशोर बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, किताबों के बहुत बड़े ताजिर थे, उन्होंने दास्तानों की मकबूलियत देखी तो बड़ी तादाद में दास्तानें वो छपाने लगे अपने प्रेस में और दास्तानें बाज़ारों में आने लगी। तो ये सारा जो कदीम दौर है 20वीं सदी के आगाज़ तक, ये सारा दास्तानों का दौर है। दास्तानें हर जगह चल रही थी, हर जगह सुनाई जा रही थी, सुनी जा रही थी, लिखी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, ये दास्तानों का दौर है। लेकिन हालात बदले, नई रोशनी आई
अंग्रेज़ी तालीम आई, लोग अंग्रेज़ी तालीम से वाकिफ़ हुए, तो फिर उनके जहन में वसत पैदा हुई, नए मालूमात आए और उन्होंने सोचा कि ये दास्तानें गैर साइंटिफिक हैं, बिल्कुल इसमें काज एंड इफ़ेक्ट, इल्लत और मालूल का रिश्ता नहीं है। तो नई तालीम जो है साइंटिफिक सोच लेकर आई, साइंटिफिक थिंकिंग लेकर आई, तो इस साइंटिफिक थिंकिंग की वजह से दास्तान को आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत उसकी ख़त्म होती गई और उसके बजाय यूरोप से या यूरोपीय ज़बानों से नई असनाफ हमारे यहाँ आई, जैसे नावेल आया, शॉर्ट स्टोरी या अफसाना आया और बहुत सारी नसरी असनाफ हमारे यहाँ आई। तो मग़रिबी अदब की मकबूलियत की वजह से, नावेल खासतौर पर और अफसाने के रिवाज पाने की वजह से, दास्तान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती चली गई। और फिर और एक वजह यह भी थी कि अब दास्तान के बारे में ये सोचा गया कि भाई ये ख्याली किस्से हैं, तखयली दुनिया है, अब इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा। आज की जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के जो फैक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं, जो हकीकतें हैं, उन हकायक की तर्जुमानी इन दास्तानों में नहीं होती है। जबकि अदब के बारे में ये जाविया सामने आया कि अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान होना चाहिए, ज़िंदगी के हकायक की तर्जुमानी करना चाहिए। तो ये जब नया जाविया अदब के बारे में आया तो फिर सोचने का अंदाज़ लोगों का बदल गया और दास्तानें हमारे अदब के मंजरनामे से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। शुक्रिया। पूरी दास्तान है दास्तान के उर्ज और ज़वाब की। नसीम साहब, ये बताइए कि मीर अमन की दास्तान जो बहार थी, उसको जो है ना ये फारसी से उर्दू में जो है ना अता हुसैन ख़ान जिन्होंने तर्जुमा किया है, और ये मैं समझता हूँ कि जो है ना तकरीर की ज़बान को उन्होंने एक तहरीरी शक्ल दी है। ये फ़न का इस्तेमाल किस तरह के, मुख्तसर बयान कीजिए। देखिए, ये कहानी तो मीर अमन की नहीं है, इस कहानी का असल मुसन्निफ़ तो गुमनाम है। फारसी ज़बान में मोहम्मद शाह के ज़माने में एक कहानी लिखी गई थी, उसके बाद मोहम्मद गौस जरीन ने भी इसका उर्दू में तर्जुमा किया और हुसैन अता खां तहसीन ने भी किया। लेकिन तहसीन ने जो तर्जुमा किया उसकी दुश्वारी ये थी कि नहायत ही पुरतकल्लुफ़ ज़बान, बहुत ही अदख ज़बान इस्तेमाल की, जिसके अंदर उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तराकीब, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जो आम आदमी की समझ से बालातर था। आम आदमी पढ़कर समझ नहीं सकता था तहसीन की ज़बान को, तो ये अंग्रेज़ तो बिल्कुल समझ नहीं सकते थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू सीखना चाहते थे। तो चुनांचे विलियम गिलक्रिस्ट ने मीर अमन से ख्वाहिश की कि देखो, ये दास्तान तो हम पढ़कर समझ नहीं सकते, तुम ऐसा करो कि इसको आम बोलचाल की ज़बान में मुंतकिल करो। तो मीर अमन का जो असल कारनामा है वो ये नहीं है कि उन्होंने बाग बहार की दास्तान, चार दरवेश का किस्सा अपनी तरफ से तख्लीक किया। उनका असल कमाल यह है कि उन्होंने इस किस्से को, जो बहुत ही पुरतकल्लुफ़ और अदख और मुश्किल ज़बान में था, उससे बिल्कुल बहुत ही आसान सीधी सादी ज़बान में, सीधे सादे उसलूब में मुंतकिल किया। चुनांचे सर सैद अहमद ख़ान इस बोली, इस ज़ुबान और इस उसलूब की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही मकाम हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। बिल्कुल। तो उसकी वजह यही थी कि मीर अमन ने कोई पुरतकल्लुफ़ ज़बान इस्तेमाल नहीं की, मुखफ़ा और मुसज्जा उसलूब इख्तियार नहीं किया जैसा कि तहसीन ने किया था। कहीं कहीं है उनके यहाँ, लेकिन आम तौर पर जी उनकी जो ज़बान है वो आमतुन्नास की ज़बान है, जो दहली के लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते थे। चूँकि मीर अमन खुद दहली के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि दहली के बाशिंदों की जो आम ज़बान है, उस आम ज़बान को इस हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, आपने उर्दू में दास्तानों के उर्दू ज़बान को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाते हुए दास्तानों को किस तरह सैर व तफरी के तौर पर और बादशाहों के दरबारों में उसकी दास्तान गोई का रिवाज को पेश किया, इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम और बैरूनी बाशिंदों को ज़बान सिखाने के लिए दास्तानों को किस तरह से इस्तेफादा किया, और मीर अमन की जो अता हुसैन तहसीन की तर्जुमा उर्दू तर्जुमा नव तर्ज मुरस्सा के जो है ना उर्दू तकरीर से तहरीरी शक्ल देने से मुतल्लिक़ आपने बेहतरीन अंदाज़ में समझाया है।
अभी वक्त का तकाजा है, हम जो है ना प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से मैं दरियाफ़ करना चाहता हूँ कि अहद हाल में दास्तान की सूरत हाल को बयान करते हुए इसको क्या मानवियत हो सकती है। हाँ, मानवियत हो सकती है। तलबा और तालिबात, हाज़रीन इकराम और सामईन इकराम, जो लोग जो है नाजरीन हैं, उनसे चंद बातें कहता हुआ बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि अभी कहा गया कि यूरोप से नावल और अफसाने की आमद के बाद दास्तान को जवाल आया, जो अपनी जगह मुसलमा है। लेकिन आज जो नावल लिखे जा रहे हैं, समाजी नावल, जासूसी नावल, माशरती नावल, ये नावलों के अलावा नावल का एक अलग अंदाज भी है, जिस पर हम गौर करें तो पता चलता है कि दास्तान की वो कड़गियाँ जो कहीं गुम हो गई थीं, वो आज तक जारी हैं। अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी ज़बान में ड्रैकुला एक नावल लिखा गया था, उसके बाद हिंदुस्तान के उर्दू राइटर्स ने बाज़ाब्ता एक तहरीक चलाई कि अजीब व गरीब मखलूक़ात का ज़िक्र होना चाहिए, अजीब व गरीब हालात का ज़िक्र होना चाहिए। तो सिराज अनवर ने सबसे पहले खौफनाक जज़ीरा नामी किताब लिखी, जो नावल है। उसके अलावा उन्होंने काली दुनिया और नीली दुनिया लिखी, उसमें एक ऐसे इंसान का ज़िक्र किया गया जिसको एक आँख पेशानी पर है और वो जिस्म ऐसा रखता है कि वो गोश्त पोश का नहीं बल्कि पत्थर का है। तो इस किस्म के अजीब व गरीब मखलूक का जो ज़िक्र हम जो दास्तानों में देखते थे जादू टोने का, उसका असर हमको सिराज अनवर के नावलों में दिखाई देगा। ये नावल किस तरह दास्तान से इस्तेफादा कर रहा है मौजूदा हालात में। आप जो सीरियल देखते हैं, लाजमी है कि आपने शक्तिमान सीरियल देखा है, लाजमी है कि आपने सीरियल हैरी पॉटर भी है, हैरी पॉटर भी और स्पाइडरमैन देखा है या सोनपरी देखा है। तो ये सीरियल में जो है इंसान के जज्बात और एहसासात को बढ़ा चढ़ा कर जो पेश किया जा रहा है, वो दास्तान की मुतबदिला शक्ल है। दास्तानों में इंसान के जज्बात के बजाय जादू और उसके अनहोने बातें बताते थे। तो आज लाजमी है एक इंसान फूंक मारे तो ये मुमकिन नहीं है कि एक कागज़ उड़े, लेकिन किसी सीरियल में, किसी नावल में ये बता दिया जाए कि उसके फूंक मारने से कई कारें उड़ जा रही हैं या वो गौर से देखने से सामने जलने लगा है। तो इस किस्म के नावल में जो नए अंदाज़ आ रहे हैं, ये हमारी दास्तान की मुतबदिला शक्ल है। एक और ज़मरुद नावल सलामत अली का है, उन्होंने ये ज़मरुद नावल में एक ऐसे कैरेक्टर का ज़िक्र किया है जो हिमालय की तराई में रहता है, इंसान है, गोश्त पोश्त का है, लेकिन वो आग में चला जाए तो आग उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, वो गर्म पानी में कूद जाए तो गर्म पानी उसको नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ये जो नावल आज हमारे जदीद अंदाज के हो गए हैं, उन जदीद अंदाज में हम दास्ताना की बहुत सी खसूसियतों को शामिल कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं गो दास्तान का वो अंदाज, जादुई अंदाज और हवा में उड़ने का अंदाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन दास्तानों में अनहोनी बातें, हैरतअंगेज़ बातें, ताज्जुब खेज बातें पेश करने का जो तरीक़ा रहा है, उस तरीक़े को आज हम नावलों में पेश कर रहे हैं। और नावलों से अफसाने में भी ये चीज़ आ रही है। आम तौर पर सागा नावल जो बना है उसमें इस किस्म की बहुत सी खसूसियात हमको दिखाई देती हैं। तो जिससे पता चलता है कि गो के दास्तानें ख़त्म हो गई, उसका दौर ख़त्म होगा, लेकिन दास्तान के असरात हम नावल में और अफसाने में लेकर चल रहे हैं। अब आने वाला दौर यानी दास्तान मुस्तकबिल में कैसे होगी या रहेगी या नहीं रहेगी, जब नसीमुद्दीन फरीद साहब ने बताया कि हालात के बदलने की वजह से और इंसान की ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी की वजह से दास्तान तवील सुनने का वक्त नहीं रहा, लेकिन आज सीरियल में हम मुख्तलिफ चीज़ें देखने के आदी हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हैरत अंगेज़ हो। तो नतीजा ये है कि अब आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए नावलें लिखे जाएंगी, लाजमी है रोबोट का काम बताया जाएगा। यह हमारे नावलों में भी आ चुका है और हमारे अफसानों में भी कई राइटर्स ने लिखा है। तो हम जो समझ रहे हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो ख़त ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि दास्तानों के रिवायती अंदाज को
किस्से कहानी में बयान करने का तर्ज आज भी जारी है और उसके रवैये बदल गए हैं, उसका उसलूब बदल गया है, उसके कहने का अंदाज बदल गया है। तो जिससे ये बात जाहिर होती है माजी में जो दास्तां थी वो हाल में नावल और अफसाने के तवसुस से पल रही है, हो सकता है कि मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी के तवसुस से और आगे बढ़े और ये बताया जाए कि किस तरह से इंसान इंसानी जज्बात के साथ जी रहा है, आने वाले ज़माने में वो जज्बात से हटकर जीने लगेगा तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया जी, असल में जो दास्तान है ना, दास्तान का वजूद ही इस बात का मरहून मिन्नत है। दास्तान वजूद में इसलिए आई कि ये हकीकत से एक तरह से फरार का जरिया था कि दिन भर की कुल्फत दूर हो जाए, दिन भर की थकन दूर हो जाए, और इंसान की आरजुओं और उमंगों की एक तरह से तर्जुमानी करती थी दास्तान कि इंसान क्या चाहता है। वो हवा में उड़ना चाहता है, उड़ तो नहीं सकता लेकिन कहानी में कोई किरदार उड़ता है, इस तरह से अपनी तस्कीन करता था आदमी। तो दास्तानों में जितने भी माफ़ोकुल फितरत वाक़ियात हमको मिलते हैं वो दरअसल इंसान की गैर तशफ़ी याफ्ता ना आसूदा उमंगों और आर्ज़ुओं की तर्जुमानी करती हैं। चुनांचे आज के दौर में भी हम ये देख रहे हैं कि जो साइंस फिक्शन में या इस तरह के सीरियल्स में या इस तरह के नावलों में जिनका आपने अभी तस्करा किया, जो नाक़ाबिले तसव्वुर वाक़ियात दिखाए जा रहे हैं उसके पीछे यही है कि इंसान की सोच है, इंसान सोचता है कि काश ऐसा हो सकता, हो तो नहीं पा रहा है लेकिन उसको होता हुआ दिखा रहा है इस तरह की तहरीरों में, इस तरह के किस्सों और नावलों में। लेकिन एक बात ज़रूर हमको ये माननी पड़ती है कि अगरचे के नावल की रिवायत ख़त्म हो चुकी है लेकिन नावल की अहमियत और इफादियत ख़त्म नहीं हुई, नावल के दास्तान की रिवायत ख़त्म हो चुकी है लेकिन दास्तान के मुताले की अहमियत ख़त्म नहीं हुई, इसलिए कि इसकी अहमियत की कई जहतें, कई पहलू हैं। एक तो ये है कि अदबी अहमियत है दास्तान की, हर दास्तान में एक किस्सा होता है, एक प्लाट होता है, किरदार होता है, मंजर निगारी होती है, जज्बात निगारी होती है, तो अदब के जितने लवाजिमात होते हैं उसके अंदर मौजूद हैं। दास्तानें हमारी तहजीब और सकाफत का ख़जाना है, जब हम मुताला करेंगे तो ख़दीम तहजीब का पता चलेगा। लिसानी मुताले के लिए अहमियत रखती है, ख़दीम ज़माने की तहजीब का ज़बान का पता चलेगा। तो इस तरह दास्तान के मुताले की अहमियत ख़त्म नहीं होगी, इसकी मानवीय हर दौर में बरकरार रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मजीद बदर साहब और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, आपने दास्तानों के जवाल के बाद नावल और अफसाने का जिक्र करते हुए मुस्तकबिल की क्या सूरत हाल रहेगी, इसके अलावा दास्तानों में इंसानी जज्बात की अक्कासी और इसकी नासूदगी की अहम वजूहत से वाकिफ करवाया। जी जी बोलिए। अभी जिस किताब का जिक्र हुआ, जो तहकीकी मकाला ज्ञानचंद जैन का, उसमें आखिर में उन्होंने बोलिए ख़त्म कर दीजिए बात को। हमारे स्टूडियो में शोबे उर्दू के तहतमाम मुनाक़िदा इस प्रोग्राम में प्रोफेसर मजीद बेदर साहब और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब ने हिस्सा लिया था। हम शोबे उर्दू की जानिब से आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।